यहाँ पर हम देखेंगे कैंटिलीवर असेंबली के बारे में हम देखेंगे। कैंटिलीवर असेंबली क्या है? कैंटिलीवर असेंबली, कैंटिलीवर असेंबली जो कि OHE से रिलेटेड है। तो सबसे पहले कैंटिलीवर असेंबली जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले बनाते हैं उसका फाउंडेशन। तो यहाँ पर हम बना देते हैं इसका फाउंडेशन। जैसे ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा फाउंडेशन, फाउंडेशन। अब फाउंडेशन है, इसके आगे हम OHE मास्ट बनाते हैं। तो OHE मास्ट जब हम बनाएंगे तो OHE मास्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या होगा, OHE मास्ट में यहाँ पर हम डाल देते हैं लोकेशन नंबर। तो ये कहलाएगा हमारा लोकेशन नंबर, लोकेशन नंबर। तो लोकेशन नंबर है जैसे कि 444 डे, ये लोकेशन नंबर डाल दिया हमने। उससे आगे हम चलते हैं, ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट ऊपर तक यहाँ पर OHE मास्ट कर लेता है, OHE मास्ट। फिर आगे हम यहाँ तक चलते हैं, इसको सीधा खड़ा कर देंगे इस पोल को। जैसे ये हमारा पोल हो गया, इसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से पोर्शन बनाएंगे। ये हमारा कहलाएगा VT। VT मतलब होता है हमारा ब्रैकेट ट्यूब। तो VT फिटिंग हमारा कहलाएगा ये ब्रैकेट ट्यूब फिटिंग। और ब्रैकेट ट्यूब फिटिंग जब हम करते हैं तो इसमें इंसुलेटर लगा देंगे ताकि इस खंभे के अंदर लाइट ना आए। इस तरीके से इंसुलेटर लगा के ये लाइन को हम खींच देंगे। अब ये जो लाइन है सीधी इस तरीके से रुकेगी नहीं, तो इसको रोकने के लिए हमें यहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा। रोकने के लिए मतलब स्टे करने के लिए, स्टे करने के लिए लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं स्टे करने के लिए, स्टे फिटिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाएगी हमारी स्टे फिटिंग। अब स्टे फिटिंग में हम वापस से यहाँ पर इंसुलेटर लगाते हैं ताकि इसके अंदर सप्लाई ना आए, और फिर इसको इस तरीके से रोकते हैं। तो ये कहलाएगी हमारा ST इंसुलेटर, स्टे फिटिंग इंसुलेटर। स्टे ट्यूब है, ST मतलब स्टे ट्यूब फिटिंग। तो ये हो जाएगा हमारा ST इंसुलेटर, इंसुलेटर। और इंसुलेटर और ये वाला जो पॉइंट है इसके बीच वाला जो पोर्शन है ये हमारा कहलाती है स्टे ट्यूब, स्टे ट्यूब। इसी तरीके से यहाँ पर इंसुलेटर और यहाँ तक का जो पोर्शन है ये कहलाता है हमारा VT ट्यूब, यानी कि ब्रैकेट ट्यूब, ब्रैकेट ट्यूब हम इसको बोलते हैं। अब ब्रैकेट ट्यूब के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर एक और तार हम यहाँ पर लगा देते हैं इसको। तो ये जो तार है जो इसकी हाइट यानी इसके बराबर की हाइट का लगा लेते हैं या इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये जो तार है ये वाला तार हमारा कहलाएगा रोकने के लिए रेजिस्टेंस आर्म ट्यूब, यानी RT ट्यूब कहलाएगी हमारी, रेजिस्टेंस आर्म ट्यूब, रेजिस्टेंस आर्म ट्यूब। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से RT ट्यूब भी हम कह सकते हैं। तो रेजिस्टेंस आर्म ट्यूब है। अब रेजिस्टेंस आर्म ट्यूब है, अब इसको रोकने के लिए कुछ चाहिए होगा हमें। तो रेजिस्टेंस आर्म ट्यूब को रोकने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं RT आर्म ट्यूब भी बोल सकते हैं, RT रजिस्टर आर्म ट्यूब भी बोल सकते हैं इसको, RT रजिस्टर आर्म ट्यूब भी इसको बोल सकते हैं। अब इसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जब भी रोकना हो हमें तो यहाँ पर इसको ड्रॉपर चाहिए होगा रोकने के लिए। तो यहाँ पर लगा देते हैं हम ड्रॉपर। तो इसको बोलते हैं इस ड्रॉपर को RT ड्रॉपर, RT ड्रॉपर, जिससे ये यहाँ पर रुक जाएगा। अब RT ड्रॉपर अगर हमने लगा दिया है तो यहाँ पर इस जगह पर हमें क्लिप लगानी होगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम कहेंगे RT ड्रॉपर क्लिप, RT ड्रॉपर क्लिप। इसी तरीके से जब RT ड्रॉपर क्लिप लगाई है तो ऊपर भी हमें क्लिप लगानी होगी। तो BT पर लगाएंगे क्लिप, तो यहाँ पर लगाएंगे VT ड्रॉपर क्लिप, VT ड्रॉपर क्लिप। तो ये VT ड्रॉपर क्लिप होगी।
यहाँ पर जो होगी वो आरटी ड्रॉपर क्लिप होगी। उसके बाद में नीचे हम आ जाते हैं, इसे नीचे यहाँ पर एक पोर्शन होगा हमारे पास में, ड्रॉप ब्रैकेट क्लैंप हम लगाते हैं इस तरीके से। और इसमें भी यहाँ पर लगा देंगे हम, तो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये कहलाएगा स्विवल क्लिप। स्विवल क्लिप, SWIVEL, तो ये हमारी कहलाएगी स्विवल क्लिप। और ये हमारा जो पोर्शन है, ये वाला हमारा पोर्शन कहलाएगा कॉन्टैक्ट वायर, कॉन्टैक्ट वायर। तो यहाँ पर जो वायर होता है वो होगा कॉन्टैक्ट वायर। और ऊपर वाला यहाँ पर जैसे कि हमने जो लगाई है कौन सी, स्टे ट्यूब, स्टे ट्यूब की जहाँ पर फिटिंग की है, स्टे ट्यूब का एडजस्टमेंट यहाँ पर लगा है। जैसे ये तो VT ड्रॉपर है, इस जगह पर ये क्या होता है, इस जगह पर होता है ST एडजस्टर, स्टे ट्यूब एडजस्टर, ST एडजस्टर, जो स्टे ट्यूब को एडजस्ट करता रहता है। ऊपर की साइड होता है हमारा सस्पेंशन ब्रैकेट, जो इस पॉइंट पर होगा, इसके ऊपर सस्पेंशन ब्रैकेट सस्पेंशन को कम करता है, सस्पेंशन ब्रैकेट। और सस्पेंशन ब्रैकेट के बाद में यहाँ पर सस्पेंशन ब्रैकेट को रोक के साथ के लिए क्लिप भी चाहिए होगी, तो यहाँ पर बोलेगी सस्पेंशन क्लिप, सस्पेंशन क्लैंप हो गया, सस्पेंशन क्लैंप। अब हम बात करें, नीचे आ जाते हैं, जैसे कि ये जो ट्रॉपर कॉन्टैक्ट वायर लगाया है, कॉन्टैक्ट वायर के बीच में यहाँ पर होती है एंटी विंड क्लैंप, ये वाले जो बीच वाली है ये कहलाएगी एंटी विंड क्लैंप। तो ये किसके लिए, हवा से प्रोटेक्शन के लिए, एंटी विंड क्लैंप। और इसके बाद में ये जो आर्म है हमारी, ये कहलाएगी हमारी स्टेडी आर्म असेंबली, स्टेडी आर्म असेंबली, असेंबली। अब स्टेडी आर्म असेंबली के बारे में ये जो पोर्शन है हमारा, ये क्या कहलाएगा, ये है ड्रॉप ब्रैकेट क्लैंप कहलाएगा, ड्रॉप ब्रैकेट क्लैंप। तो ये हमारा हो जाएगा ड्रॉप ब्रैकेट क्लैंप। और इस पोर्शन पर जैसे कि RT ड्रॉपर क्लिप हमने लगाई रखी है, और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कहलाएगा RT हुक क्लैंप, क्योंकि RT लगाया हुआ है इसके अंदर, तो हम इसको बोलेंगे RT हुक क्लैंप। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो कैंटी लीवर असेंबली है इसको हम कंप्लीट बनाते हैं। तो हम एक बार अगर रिवाइज करना चाहें इसको ऐसे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, फाउंडेशन बनाना है। फाउंडेशन के बाद में ये पूरा OIC मास्क कहलाएगा, फिर लोकेशन नंबर, ये ब्रैकेट ट्यूब फिटिंग होगी, ब्रैकेट ट्यूब फिटिंग के बाद में ये VT के इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर। इसी तरीके से इस तार को रोकने के लिए यहाँ पर क्या लगाई गई है, स्टे फिटिंग, स्टे फिटिंग के बाद में स्टे इंसुलेटर, ये स्टे ट्यूब है, ये हमारी ब्रैकेट ट्यूब है, ब्रैकेट ट्यूब में फिर यहाँ पर RT ड्रॉपर लगाया हुआ है, RT ड्रॉपर के थ्रू ये रेजिस्टेंस, RT रेजिस्टेंस आर्म ट्यूब लगाई गई है, ये यहाँ पर सेंटर में एंटी विंड क्लैंप लगाया गया है, ये है ड्रॉप ब्रैकेट क्लैंप, स्टेडी आर्म असेंबली बोलते हैं इसको। यहाँ पर स्विवल क्लिप है जिसमें कॉन्टैक्ट वायर होगा, और ऊपर की साइड हम बात करें यहाँ पर है सस्पेंशन ब्रैकेट, जिसको सस्पेंशन क्लैंप के द्वारा रोका गया है। और यहाँ पर इस पोर्शन पर जो वायर लगाया जाता है, इस पोर्शन को वायर को हम कहते हैं कैटेनरी वायर। तो इस पोर्शन की वायर हमारा कहलाएगा कैटेनरी वायर, कैटेनरी वायर। तो ये कैटेनरी वायर हो जाएगा। फिर VT ड्रॉपर क्लिप है, क्योंकि VT पर अटैच है, इसी तरीके से RT ड्रॉपर क्लिप है, ये RT पर अटैच है। तो कैंटिलीवर असेंबली क्यों बनाई जाती है, OHE तारों को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर कैंटिलीवर असेंबली है बनाई जाती है।
और कैंटिलीवर असेंबली के बारे में अगर हम बात करें तो OHE के तारों को ट्रैक के ऊपर निर्धारित स्थानों पर टांगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैंटिलीवर असेंबली का कोई भी पार्ट अगर टूटा हुआ दिखाई देता है ड्राइवर को तो तुरंत वो पेंटोग्राफ को नीचे करेगा और किसको सूचित करेगा, TPC को यहाँ पर सूचित करेगा। और उसे पता होना चाहिए TPC क्या होता है, TPC के कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास में होने चाहिए।